हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट है आरआरसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। फ्रेंड्स, आपको मालूम है आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम लगातार चल रहे हैं और सितंबर मंथ में सभी डेटों में एग्जाम लगातार चले हैं। हम आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। देखिए, आज के डेट में 29/9/2022 के डेट में यहाँ पर एग्जाम कैंसिल का नोटिस आ चुका है। तो किस शिफ्ट में किसका किसका एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हुआ है आरआरसी ग्रुप डी का, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अगर आपके फ्रेंड ने किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उनको मालूम चल सके। हालांकि उनका जो जिन शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसका रीशेड्यूल भी किया गया है, कब आपका आगे डेट है आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, आज के डेट में ये आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल साइट पे हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं नोटिस फॉर कैंसिलेशन एंड रीशेड्यूलिंग फॉर शिफ्ट टू हेल्ड ऑन 18/9/2022। यहाँ पे सेंटर का नाम भी दिया गया। चलिए हम पूरा डिटेल इसको पढ़ लेते हैं नोटिस डाउनलोड करके। हमने नोटिस डाउनलोड कर लिया है और नोटिस आपके सामने है, मैं पूरा पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो देखिए, नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ शिफ्ट टू लेवल वन सीबीटी एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 18/9/2022। तो जिनका एग्ज़ाम 18/9/2022 को हुआ था और केवल एक ही यही शिफ्ट का, मैं बता देता हूँ आपको, सेकेंड शिफ्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो 18/9/2022 यानी 18 सितंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में और इसी सेंटर पे, यानी कि टीसी कोड 8040 ION डिजिटल जोन IDZ1 मथुरा रोड न्यू दिल्ली। तो ये जो सेंटर पे 18 तारीख को यानी 18/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट में इस सेंटर पे जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरसी ग्रुप डी का, इसका यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। और यहाँ पे कारण क्या बताया गया है मैं आपको आगे बता देता हूँ कि क्या कारण बताया गया आरआरसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि केवल इसी सेंटर का है, ये नहीं कि जो 18 सितंबर में जितने भी स्टूडेंट ने सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है कहीं पर भी, तो उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। मैं पूरा आपको फिर से क्लियरली बता देता हूँ कि शिफ्ट टू में जिनका एग्ज़ाम हुआ है इस सेंटर पर, यानी टीसी कोड 8040 ION डिजिटल जोन IDZ1 मथुरा रोड, इस सेंटर पे जिनका एग्ज़ाम हुआ है 18 तारीख को 18 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में, केवल उनका ही यहाँ पे कैंसिल हुआ है। बाकी जो 18 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में कोई और सेंटर पे हुआ है उनका बिल्कुल ही नहीं हुआ है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल सेकेंड शिफ्ट में 18 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ इस सेंटर पर, उसका यहाँ पे कैंसिल हुआ है। कब यहाँ पे रीशेड्यूल किया गया है अब मैं आपको बता देता हूँ। द सेकेंड शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगेंस्ट आरआरसी सीएन 01/2019 हेल्ड ऑन सितंबर 18/2022 एट टीसी कोड 8400 IDZ1 मथुरा रोड न्यू दिल्ली स्टैंड कैंसिलेशन ड्यू टू टेक्निकल रीजन। यहाँ पे कुछ नहीं है कारण, कुछ भी नहीं आपको बताया गया कि किस कारण से यहाँ पे आपका एग्जाम कैंसिल किया गया। डायरेक्टली ये बोल दिया गया है कि टेक्निकल रीजन की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये एग्जाम रद्द कर दिया गया है। द री एग्जाम ऑफ सीबीटी फॉर द कैंडिडेट हु वेयर प्रेजेंट एंड अटेंडेंस द टेस्ट इन सेकेंड शिफ्ट विल बी हेल्ड ऑन 6/2022 इन सेकेंड शिफ्ट एट सेम सेंटर। तो इसी सेंटर पे, यानी कि टीसी कोड 8040 ION डिजिटल जोन IDZ1 मथुरा रोड न्यू दिल्ली जो सेंटर है, इसी सेंटर पे सेकेंड शिफ्ट में 6 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम दोबारा रीशेड्यूल किया गया है। तो आपको ध्यान देना है 6 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा सेकेंड शिफ्ट में और इसी सेंटर पे, जिस सेंटर का रद्द हुआ है इसी सेंटर पे सेम समय में, यानी कि सेकेंड शिफ्ट में 6 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है। बाकी यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बोला गया है। आगे बोला गया है कि कब आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका हो जाएगा, यानी जो भी साइट है यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ट्रेवलिंग अथॉरिटी SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑन RRB चंडीगढ़ ऑन before October 1, 2022। तो 1 अक्टूबर से पहले आप अपना जो भी SC/ST का यहाँ पे सिटी इंटीमेशन डेट है या फिर ट्रेवल अथॉरिटी है आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ये बोला गया है। तो बड़ी अपडेट है, आपको मालूम है यहाँ पे लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं और 18 सितंबर में जिनका एग्ज़ाम हुआ है इसी सेंटर पे सेकंड शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है, कैंसिल करके 6 अक्टूबर का उनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कोई भी कैंडिडेट्स जो कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, केवल आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे आप जाएं और वहीं से जो जानकारियां आपको मिलती हैं केवल उसी पे आपको विश्वास करना है, किसी और साइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी अफवाहों में फंसने की ज़रूरत नहीं है और ऑफिशियल साइट पे जाकर कोई भी अपडेट चेक किया करें, ठीक है। तो ये एक अपडेट है, 6 अक्टूबर को उनका एग्ज़ाम होना है। तो ये एक अपडेट ही, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी फ्रेंड्स ने, आपके फ्रेंड्स ने अगर एग्ज़ाम दिया हो, उनका अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ इसी डेट में इसी शिफ्ट में इसी सेंटर में हुआ हो, तो वो एग्ज़ाम फिर से दोबारा 6 अक्टूबर को दे पाएंगे। फ्रेंड, जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है सबसे पहले आपको दे दूँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए।